तो एमपी कोशवानी में वकीलों की हड़ताल 9 दिन भी जारी है, जिससे कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, साथ ही प्रशासन की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो अगर कई लोगों के ऐसे काम हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वकील लगातार 9 दिन भी हड़ताल पर बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि एमपी के सिवानी में वकील कुछ मांगों को लेकर आए हुए हैं, और यही वजह है कि आज 9 दिन पूरे होने वाले हैं उनके हड़ताल को, अभी तक ये वकील अपने हड़ताल पर बने हुए हैं। जी 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 पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 दिन से सिवनी के जितने भी अधिवक्ता हैं वो सब सिवनी टीआई के खिलाफ में एक मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। कोतवाली टीआई द्वारा वकील के साथ किए गए अभद्र व्यवहार का मामला दिन ब दिन गर्माते जा रहा है सिवनी में। सिवनी टीआई डीएस ठाकुर को कोतवाली से हटाए जाने की मांग को लेकर समस्त अधिवक्ता गांवबद्ध हो गए हैं। पिछले 19 जून से अधिवक्ता संघ ने आम सभा आयोजित कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया था, जो अभी भी जारी है। पुलिस के आला अफसर जो संघ की मांगों को तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके सभी को काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते संघ मंगलवार से पुलिस विभाग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया है, और लगभग आज भी वो हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। जी जी राखी जी, मैं आपको बता दूं, 18 जून को एक कथित महिला पत्रकार के साथ वकील के विवाद के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने अधिवक्तागण कोतवाली पहुंचे थे। यहां टीआई देवी सिंह ठाकुर ने वकीलों के साथ अभद्रता करते हुए वापस लौटा दिया। इस मामले के उल्टा पीड़ित वकील के विरुद्ध ही मामला पंजीबद्ध कर दिया गया था। इस नियम के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता संघ ने उसी दिन दोपहर 2 बजे तक टीआई देवी सिंह ठाकुर को कोतवाली से हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया था जो कि जब तक टीआई श्री ठाकुर को कोतवाली से नहीं हटाया जाएगा, तब तक जिले में अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही हड़ताल के दौरान कार्य करते पाए जाने वाले वकील के विरुद्ध भी संघ वैधानिक कार्रवाई करेगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया हुआ था। राखी जी, हड़ताल के दौरान कार्यकर्ते पाए जाने वाले वकील के विरुद्ध भी संघ वैधानिक कार्रवाई करेगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया हुआ था। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो के शिवानी में वकीलों की हड़ताल अभी भी जारी है, अभी कुछ तरीके के हालात निकल नहीं आ रहे, क्योंकि ये हड़ताल खत्म। इधर आपको बता दें कि सरबजीत के परिवार वालों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति